हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एट द रेट आर एफ की क्लासेस में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर कंपटीशन, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देख रहे हैं रसायन विज्ञान का संबंध परमाणु से है, उसी प्रकार जीव विज्ञान का संबंध क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा है, तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग छाटते हैं। तो जान रहे हैं कि जिस तरह का परमाणु का रसायन विज्ञान से संबंधित है, जो रसायन विज्ञान है इसी के से परमाणु का संबंधित है। आप रसायन विज्ञान में ही परमाणु के बारे में पढ़ते हैं क्या? आप इसमें जीव विज्ञान में पढ़ते हैं क्या परमाणु के बारे में? नहीं पढ़ते हैं। हम किस में पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान। उसी तरह से जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? कोशिकाओं के बारे में, अणु के बारे में पढ़ते हैं? नहीं। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं? हाँ, जीव विज्ञान में नहीं पढ़ते। किस में पढ़ते हैं? इसमें भी नहीं पढ़ते। जीव विज्ञान में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, किसका होगा? कोशिका। इज राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोशिका। कोशिका राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार तरह उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार तीसरा शब्द चौथे से संबंधित है। तो यहाँ व्हाट लिखा हुआ है? स्पाइडर, ठीक है। तो इसका संबंध जिस तरह से शोल्डर के साथ है तो उसी तरह से इसका संबंध क्या होगा? बहुत आसान है, तो चलिए देखेंगे। तो जिस प्रकार वेब का मतलब होता है जाल, तो जिस संबंध का मकड़ी स्पाइडर जो क्या क्या मकड़ी, ये जो मकड़ी है इसका मतलब मकड़ी, स्पाइडर मतलब एक तरह से मकड़ी, ठीक है। तो जो मकड़ी का वेब का जाल मकड़ी का स्पाइडर होता है, उसी तरह से ब्रेक का मतलब छावनी होता है, तो उसी का मतलब सैनिक का, शोल्डर का, तो छावनी का जिस तरह से शोल्डर का उसी तरह से इसका हो जाएगा बेब। राइट आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। तो पृथ्वी का संबंध नीला से है, उसी प्रकार मंगल का संबंध क्या होगा? तो आप पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी को। तो मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह, कौन सा कलर के नाम से, कौन सा कलर के ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, उसी तरह से मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। रंगमंच, मनोरंजन, रंगमंच का कह रहा है मनोरंजन से, उसी तरह से मंदिर का संबंध क्या होगा? तो आप जान रहे हैं रंगमंच मतलब कि वहां मनोरंजन किया जाता है, रंगमंच का मतलब तो मनोरंजन किया जाता है, उसी प्रकार मंदिर में क्या किया जाता है? लोग रहते हैं? नहीं। मंदिर से क्या किया जाता है? देव? नहीं। रहना? नहीं। पूजा, मंदिर में पूजा किया जाता है। राइट आंसर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्द का भांति आपस में संबंध हो। गवार का सभ्य, गवार का संबंध सभ्य से है, उसी प्रकार पूछ रहा अगला संबंध, ये दोनों का संबंध उसी तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है निर्दयी बीड, नहीं। जंगली जानवर, नहीं। अंधेरा रोशनी,
अंधेरा का रोशनी, अंधेरे से रोशनी आता है, क्योंकि ये विलोमानुपाती दे रखा है तो ठीक है, क्योंकि गवार का उल्टा क्या सभ्य होता है, उसी तरह से अंधेरा का क्या होता है रोशनी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट छठे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से युग्म चुने जो पहले युग्म शब्द के भांति आपस में हो। पर्वत ऊंचाई, पर्वत का संबंध ऊंचाई से है, उसी प्रकार ये दोनों का रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है तो देखेंगे, पर्वत ऊंचाई ठीक है, तो पानी नदी नहीं, गुफा गहराई, गुफा का संबंध गहराई से है। सेम जिस तरह से पर्वत किस लिए होता है, ऊंचाई के लिए, गुफा गहराई। राइट आंसर बी। नेक्स्ट 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुस्कान हंसी से संबंधित है, मुस्कान का संबंध हंसी से है, उसी प्रकार रोने के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। तो जिस तरह से आप जान रहे हैं कि मुस्कान जो हंसी से संबंधित है, तो रोने के लिए, रोने के लिए क्या हो सकता है बताइएगा। जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। तेवर, क्रोध, रोष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। छूना, पकड़ना, छोड़ना ठीक है, खड़ा होना, सोना, खेलना नहीं हो सकता है। शाम, रात, दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि मुस्कान मतलब हंसी, हंसने वाला चीज, तो रोना, छूना होना हो सकता है, पकड़ना उससे संबंध है, छोड़ना उससे संबंधित है। तो ये जो है समान प्रकट कर रहा है, समानांतर। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। मैं ये सिर्फ ये आंसर जो है थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से ही राइट आंसर बी होगा, नहीं तो इसका और ऑप्शन अगर कोई और रहता तो ऑप्शन कोई और रहता, तो विकल्प के ज्ञात के हिसाब से पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18वां नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से युग्म चुने जो युग्म के शब्द के भांति आपस में संबंधित हो। चौक, ब्लैक बोर्ड, चौक से किस पे लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पे, उसी तरह से यहां पे क्या होगा तो देखेंगे। दरवाजा, हैंडल क्या लिखा जाता है क्या? नहीं ठीक है, नहीं हो सकता है। स्याही, कागज, स्याही से कागज पे लिखा जाता है, राइट हो सकता है, क्योंकि सेम जिस तरह से ब्लैक बोर्ड से, चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, उसी तरह से स्याही से कागज पे लिखा जाता है। आगे चेक करना, टाइप पेंट नहीं हो सकता है, टेबल कुर्सी नहीं हो सकता है, टेबल एक अलग चीज होता है, कुर्सी पे बैठा जाता है, टेबल पे भी बैठा जाता है, टेबल पे लिखा भी जाता है, तो इस सेशन से नहीं हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। दिए गए समरूप के आधार पर दिए गए विकल्प में से सही शब्द युग्म को ज्ञात करें। तो माता, बच्चा, माता का संबंध बच्चा से है, उसी प्रकार बादल का संबंध क्या होगा। तो जो बच्चा है माता से उत्पन्न होता है, माता के गर्भ से उत्पन्न होता है कौन, बच्चा, तो बादल, बादल जो है कहां, बादल से क्या उत्पन्न होता है, बारिश, बिजली हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मौसम नहीं हो सकता, पानी नहीं हो सकता, वो होता है बारिश। राइट आंसर ए। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पक्षी, पंख, पक्षी का संबंध पंख से है, उसी तरह से मछली का संबंध क्या होगा। गलफड़ा से, सर से, मन, पंख से, पैर से। ये क्वेश्चन आपके लिए, मैं को आंसर इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन का आंसर मैं पता छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपके लिए है, जरूर इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपने मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो आरपी क्लासेस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
चल हम मेरे चैनल पे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।